ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पे अटेंशन. डैश इज सब्जेक्ट टू मेनी डिफेक्ट्स. अच्छा डिफेक्ट्स मतलब खामियां क्या है, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, मोनोपोली या मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. सो आंसर विल बी 13th का डी, दैट इज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. दैट इज सब्जेक्ट टू मेनी डिफेक्ट्स मतलब उसके अंदर काफी खामियां हैं. ओके नेक्स्ट अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डैश इक्विलिब्रियम अप्रोच. जनरल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, टोटल इक्विलिब्रियम या वेरिएबल इक्विलिब्रियम. तो इसका आंसर होगा 14th का बी, पार्शियल इक्विलिब्रियम. क्यों पार्शियल? क्यों? हमने पढ़ा था कि एक वेरिएबल एट अ टाइम को इन डेप्थ स्टडी करता है और बाकी सब वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं. तो एक वेरिएबल का इन डेप्थ स्टडी किया ना, सो पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच. ओके क्वेश्चन नंबर 15th, डैश इकोनॉमिक्स बिलीव्स इन नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट जिसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करे बिजनेस में, लेजिस फेरी पॉलिसी पढ़ा था ना उससे रिलेटेड. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है, मैक्रो में होता है, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो होता है या नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या है, हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में के अंदर कि हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती, दैट इज लेजिस फेरी पॉलिसी. तो ये ऐसा किस में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है. तो 15th का आंसर हुआ ए. 16th, मार्जिनल मींस चेंज इन डैश बाय एन एडिशनल यूनिट. चेंज इन व्हाट? चेंज इन पार्शियल, टोटल, वेरिएबल या नेक्स्ट. तो मार्जिनल मींस चेंज इन टोटल, टोटल में जो चेंज हुआ ड्यू टू वन मोर एडिशनल यूनिट, दैट इज नोन एज मार्जिनल. तो 16th का आंसर हुआ बी, टोटल. नेक्स्ट 17th, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन डैश नेचर. अग्रेसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इंडिविजुअलिस्टिक है या समेटिव है. हमने पढ़ा एक यूनिट को ही स्टडी करती है, एक इंडिविजुअल यूनिट को आइसोलेशन में स्टडी करती है और बाकी सब चीज पूरे जंगल को ध्यान नहीं देती, एक ट्री को ध्यान देती है. ये एग्जांपल था. सो एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करती है. तो आंसर विल बी 17th का सी, इंडिविजुअलिस्टिक. ओके